तो ऑलमोस्ट 1 month के बाद मैं टॉप 10 वाला टॉपिक वापस ला रहा हूँ। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 10 ऐसे सर्वाइवल मोड जो कि आपके सर्वाइवल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहेंस कर देंगे। तो अगर आप लोग इस वाले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 1 सिक्योरिटी कैमरा मोड। इस मोड में हमें सिक्योरिटी कैमरा मिल जाते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसको लगाना भी काफी ज्यादा इजी रहता है, जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पर ले जाकर प्लेस कर देना, 1 second के बाद ये फिक्स हो जाता है वहाँ। देन हम लोग इस मॉनिटर में उन सब कैमरास को पेयर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर फैन और मैं बैठा हूँ सोफा पे और सामने मेरे है टीवी। जैसे टर्न ऑन पे टैप करोगे तो टीवी चलने लगता है और इसमें 3-4 अलग अलग चैनल्स देता है। यहाँ पर हमें मैक मॉनिटर भी मिल जाता है, तो टोटल 20 कैमरास को ये पेयर कर सकता है। क्राउच करोगे तो सर्च फॉर कैमरास का ऑप्शन आ जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 पेयर्ड हो गए। अब कैमरास को देखने के लिए क्राउच से हट जाना, देन यहाँ पर सी कैमरास का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कर दोगे तो कैमरा पे स्विच हो जाओगे। बेटर कैमरा व्यू के लिए 3rd person कर लेना, नेक्स्ट कैमरा करते रहोगे तो अलग अलग कैमरा पे स्विच होते रहोगे। नंबर 2 लूटेबल बॉडीज। इससे पहले आप लोगों ने प्लेयर कॉर्प्स मोड तो खेला ही होगा, वैसा ही ये सिमिलर है लेकिन उससे बेटर है। सर्वाइवल में ये मोड काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप लोग बहुत मेहनत से कुछ चीजों को लूट करके रखे हो और वहाँ पर मर जाते हो तो सारा सामान आपका चला जाता है। जहाँ पे मरोगे वहाँ पर वापस चले जाना है, तो वहाँ पे आप लोग को एक डेड स्केलेटन दिखेगा और ओपन का ऑप्शन आएगा, उस पर अगर टैप करोगे तो आपका जो भी सामान रहेगा सब उसी के अंदर रहेगा। तो चेस्ट वाले पे टैप कर देना तो देख सकते हो मेरे पास बस फ्लिंट एंड स्टील था, तो वो मेरे को वापस मिल गया। ये वाला मोड भी जावा एडिशन के एक मोड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये एक्सट्रीम सर्वाइवल में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसको यूज कर सकते हो। नंबर 3 फोर्टनाइट ग्लाइडर। तो वो सामने आप लोग को विलेज दिख रहा होगा, यहाँ से मेरे को वो विलेज पर जाना है लेकिन बिना चले, वो मैं कैसे जाऊंगा, चलो दिखते हैं। तो मैं यूज करूंगा ये फोर्टनाइट ग्लाइडर को। आप लोगों ने कभी ना कभी फोर्टनाइट देखा या खेला तो जरूर होगा, उसमें ये ग्लाइडर रहता है। एकदम इजी टू यूज ग्लाइडर है ये, बस ऊपर देखोगे तो ऊपर जाता है, नीचे देखोगे तो नीचे जाएगा, एकदम कंट्रोल करना इजी है। और स्प्रिंट वाले बटन को दबाओगे तो ये आगे जाता है। इसका टेक्सचर वगैरह देख ही सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है। नंबर 4 ड्रोन एडोन। अभी मैं वापस से वही जगह पर आ गया हूँ लेकिन इस बार मेरे पास ग्लाइडर नहीं है, इस बार ड्रोन है। तो 3 ड्रोन हमें इसमें मिलेंगे, इनको यूज करने के लिए चाहिए होगा रेडस्टोन डस्ट एंड एक लीवर। रेडस्टोन डस्ट से ये टेम हो जाते हैं एंड लीवर से ये कंट्रोल होते हैं। तो टेम ड्रोन के पास चले जाना, उनके सामने जाकर लीवर को होल्ड करना है तो आपको सारे पावर्स कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मूव वाले पे होल्ड करना तो ये ड्रोन चलने लगता है, सारे कंट्रोल सबको आपके इन्वेंटरी में मिल जाएंगे, बस होल्ड करोगे तो वो चलने लगता है। ये ब्लैक वाले ड्रोन पे TNT वाले यूज करोगे तो TNT ड्रॉप करने लगता है। और ये जो प्लेन जैसा ड्रोन है इसमें TNT नहीं, इसमें मिसाइल का ऑप्शन रहता है और इसका मिसाइल देख सकते हो कितना डिस्ट्रक्टिव है। इन्वेंटरी में जो हमें ये कैमरा वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर होल्ड करेंगे तो हम लोग खुद को ड्रोन से स्विच कर सकते हैं। ये मोड को ज्यादातर लोग ट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। नंबर 5 हेलो क्यूब। तो इस वाले मोड में हम लोग माइनक्राफ्ट के किसी और प्लेनेट में आ जाते हैं, पूरा हमारा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड चेंज हो जाता है, पूरा प्लेनेट एकदम लगता है कि दूसरे प्लेनेट पे हम लोग आ गए। वाटर का कलर भी देख सकते हो इस वाले प्लेनेट पे अलग है। इस वाले मोड के अगर विलेज में जाओगे तो ये भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट के विलेज से काफी अलग दिखता है। इसमें हमें 7-8 अलग अलग टाइप्स के आर्मर और टूल्स भी मिलते हैं, जो देख ही सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है। इसके स्काई में देखोगे तो सन भी एक नहीं दो रहता है। तो ये मोड को ट्राई कर सकते हो अगर कुछ डिफरेंट माइनक्राफ्ट खेलना पसंद है तो। नंबर 6 वाइपर्स एड ऑन। तो ये मोड एनिमे एंड बॉडीगार्ड मोड का मिक्सचर है। तो ये मोड में हमें सारे पॉपुलर एनिमे के फीमेल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिनको हम लोग पॉपी फ्लावर से टेम कर सकते हैं। टेम हो जाने के बाद ये बॉडीगार्ड वाला काम करने वाले हैं, अगर कोई भी मॉब हमें मारेगा या मल्टीप्लेयर में कोई प्लेयर हमें मारेगा तो उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। नंबर 7 क्विक लूट फीचर। तो ये मोड को आप लोग जावा मोड बोल सकते हो क्योंकि जावा में ये फीचर ऑलरेडी रहता है। तो जब भी हम किसी चेस्ट से लूट करेंगे तो उस चेस्ट के जस्ट बगल में क्विक लूट का फीचर आ जाएगा। तो इसका फीचर आप लोगों को पता ही होगा, जब ऑफ रहेगा तो एक एक करके आइटम्स को लेना रहता है एंड जब इसको ऑन कर दोगे तो जावा जैसा एकदम हो जाएगा, बस आइटम पे टैप करो आपके इन्वेंटरी में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। सर्वाइवल में ये मोड काफी ज्यादा यूजफुल है, तो इसको ट्राई कर सकते हो। नंबर 8 जुरासिक क्राफ्ट जीप एड ऑन। इस मोड में हमें जुरासिक क्राफ्ट मोड वाला जीप मिल जाता है जो कि एकदम रियलिस्टिक रहता है। देख ही सकते हो रियलिस्टिक गेम्स के जैसा इसका डोर्स वगैरह ओपन हो रहा है एंड इसका टेक्सचर भी देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक है। इंटीरियर व्यू बहुत ज्यादा बढ़िया है, जीप कंपनी का लोगो भी है एंड ये चलता भी एकदम रियलिस्टिक तरीके से है। तो सर्वाइवल में आपको अगर व्हीकल मोड पसंद है तो ये मोड को ट्राई कर सकते हो। नंबर 9 आइटम ऑन बैक। ये मोड एक रियलिस्टिक मोड है एंड इसको भी जावा एडिशन के एक मोड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये मोड काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है एंड काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो हमारा सॉर्ड रहता है उसको हम लोग अपने बैक पे रख सकते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ के जैसे। तो बैक पे रखने के लिए इन्वेंटरी में आइटम को कुछ ऐसे रखना होगा तो वो बैक पे चला जाता है। नंबर
10। तो हमारे माइनक्राफ्ट में जो ग्रासेस रहते हैं एंड ग्लासेस रहते हैं सारे कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो मैंने लगा लिया फुल ब्लॉक एडोन एंड अब देख सकते हो ये कितना ज्यादा सही लग रहा है। फुल क्रास देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जबरदस्त के प्लेयर इसको यूज करते हैं हमेशा। एंड ये वाले मोड में बस फुल ग्रास ही नहीं, इसमें जितने भी ग्लासेस रहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड बन जाते हैं। सो या गाइस, ये थे टॉप 10 सर्वाइवल मोड्स फॉर पॉकेट एडिशन। ये क्राफ्टिंग बिल्डिंग में भी वर्क करेंगे एंड ये सारे मोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे पिंड कमेंट में, तो चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.